राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को जनपद पिथौरागढ़ के दूरस्थ और सीमावर्ती गांव गुंजी नाभिढांग कुटी और जोयलीकोंग के दौरे पर रहे। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों का भ्रमण कर राज्यपाल ने यहां रह रहे लोगों सहित सेना ITBP, SSB और BRO के जवानों से मुलाकात की। राज्यपाल ने यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवानों से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी तथा जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान राज्यपाल ने सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और चुनौतियों से रूबरू हुए। गुंजी के ग्रामीणों ने राज्यपाल को विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने समस्याओं के हर संभव समाधान का आश्वासन दिया। राज्यपाल ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण तथा स्थानीय आबादी का निवास सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के साथ साथ आवश्यक सुविधाओं के विकास से पलायन रुकेगा तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि गांव को सुरक्षित रखे बिना हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत सीमावर्ती गाँव में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BADP के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में मूलभूत सुविधाएं सहित जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि गुंजी में स्कूल, हॉस्पिटल के अलावा पेयजल और कनेक्टिविटी की समस्या के समाधान के लिए वे स्वयं भी प्रयास करेंगे। सीमावर्ती गांव कुटी और गुंजी पहुंचने पर राज्यपाल का स्थानीय लोगों ने स्वागत और अभिनंदन किया।